दूसरे चरण की सबसे हॉट सीट कैराना में मौजूद हैं। यहां पर अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन कर चुके हैं और पलायन को अपना मुद्दा बना चुके हैं। कैराना की छवि पूरे संसार में पलायन की है, सांप्रदायिकता की जहर के रूप में है, लेकिन यह भी सच है कि कैराना में कभी दंगा नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। 10 फरवरी से पहले चरण का मतदान है, जहां 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन्हीं 58 सीटों में से एक सीट है कैराना, जिसकी गूंज इस चुनाव में सबसे ज्यादा सुनाई दे रही है, क्योंकि भाजपा फिर से इस सीट को हथियार बनाकर पलायन का मुद्दा उठा रही है। इस बार भाजपा की तरफ से मृगंका सिंह मैदान में है, तो सपा की तरफ से नाहिद हसन उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी के गठबंधन से नाहिद हसन हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से हुकुम सिंह की बेटी मृगंका सिंह है। हालांकि इन दोनों की जंग 2017 में भी हुई थी, लेकिन तब जीत नाहिद हसन की हुई, पर इस बार मृगंका को अपनी जीत पर भरोसा है। कैराना के बहुत बड़े नेता चौधरी हुकुम सिंह कैराना से 7 बार विधायक रहे और 1 बार सांसद रहे। उनकी बेटी मृगंका सिंह, जो इस क्षेत्र में बुआ जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा किया है। हालांकि 2017 में वो नाहिद हसन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से चुनाव हार गई थी, और 2018 में जब बाई इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, तब भी वो नाहिद हसन की माँ तबस्सुम हसन से चुनाव हार गई, लेकिन पार्टी ने इस बार भी बुआ जी पर भरोसा किया है। आपसे आपकी सरकार आई है 2017 से, तो कोई पलायन हुआ है कि नहीं हुआ? यहाँ तो अब अपराधियों का पलायन हो रहा है, और कैराना में लोग लौट के आ रहे हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब यहाँ पिछले महीने आए थे, वो स्वयं इन परिवारों से मिले, और उन परिवारों में जो महिलाएं थीं, उन्होंने मुख्यमंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद किया कि आपका राज है, आपके राज में हम लोग यहाँ पे सुरक्षित लौट के आए हैं, अपने घरों में वापस ताले खोले हैं। तो आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? निश्चित रूप से, बिल्कुल। कानून व्यवस्था का राज है। मैं तो खुद पापा जी के पैतृक फार्म पे रहती हूँ, जो यहाँ से करीब 2 किलोमीटर है।